राजूपाल हत्याकांड को ले ले हम, राजूपाल 2005 में हत्याकांड हुआ था, अब तक तो इंसाफ नहीं मिला उस परिवार को। और आपने कहा कि जाति धर्म माफिया के मामले में नहीं देखी जानी चाहिए। अखिलेश यादव का बयान है असत्य एनकाउंटर के बाद, उनकी ओर से कहा गया है कि जाति और धर्म को देखकर ही एनकाउंटर हो रहा है, परिवार को कोर्ट जाना चाहिए। तो अब समाजवादी पार्टी में ही नेताओं के अलग अलग बयान समझ में नहीं आ रहा है, कौन कितना जा रहा है। ये बात सुनील जी, नहीं 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 चित्रा जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात तब कही जब सरकार जाति और धर्म देख करके कार्रवाई कर रही। हम तो कह रहे हैं ना आपके कार्यक्रम में, आप सूची जारी करिए, सार्वजनिक करिए उत्तर प्रदेश और देश के सामने कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतने माफिया हैं और इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे उनसे बड़े बड़े माफिया तो इनकी सरकार में बैठे हैं, सलभ भाई जानते होंगे, अब नाम नहीं लेंगे। 10 सेकंड चित्रा जी बोलिए, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। शोएब जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुनील जी ने कहा किसको मिट्टी में मिला दिया, तो आप देखिए अतीक गैंग पूरा तौर पे मिट्टी में मिल चुका। अतीक अहमद का जो हीरो था मिट्टी में मिल चुका सुनील भाई। मुकीम काला जिसने एनआईए अफसर की हत्या की, तंजील अहमद की आपकी सरकार में हत्या हुई थी, आज मुकीम काला मिट्टी में मिल चुका। मुख्तार अंसारी की आप सुनी रहे, उनके भाई चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि अब हम मिट्टी में मिलने वाले हैं, कौन सा प्रमाण चाहते हैं? आज उत्तर प्रदेश में किसी माफिया की हैसियत है? चलिए हमने आपकी बात मान ली, और शोएब जबई की भी बात मान ली कि आप चाहते हैं कानूनी तरीके से कार्रवाई हो। याद करिए अफसर गुरु को जब फांसी हुई, याकूब मेमन को जब फांसी हुई और कानूनी फांसी हुई, तो इस देश के रुदाली गैंग जाकर कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए और माथा पटक पटक के कहा फांसी रोक दो। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि सुनील साजन और शोएब जमई देश के कानून के साथ खड़े हैं। चलिए आप जरा मुख्तार अंसारी के लिए फांसी की मांग कर दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सुनील साजन जी इस पैनल पर बोलकर जाइए और शोएब जमई आप भी बोलकर जाइए कि आप मांग करते हैं कि मुख्तार अंसारी को फांसी होनी चाहिए। आप बोलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कानून के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। चित्रा जी पूछिए कि दोनों मुख्तार अंसारी के लिए फांसी की मांग करते हैं कि नहीं करते। बोलिए, हाथ उठा रहे हैं सुनील सिंह जी। चित्रा जी, सलाम भाई, आपने बड़े मन से सवाल किया और बड़े साफ मन से इस बात को कह रहा हूं, जितने अपराधी हैं जिन्होंने किसी का घर लूटा है, किसी के बेटे को छीना है, किसी के पति को छीना है, किसी का घर बर्बाद किया है, उन सबको फांसी होनी चाहिए और सरकार सब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, पैरवी करे और सबको फांसी हो। मुख्तार अंसारी का नाम तो ले लीजिए। हम कह रहे हैं सबको फांसी हो जो अपराधी है, क्योंकि हम अपराधी का जाति और धर्म नहीं मानते। आप बहुत जितने अपराधी हैं सबको फांसी हो, आप पैरवी करिए। मुख्तार अंसारी का नाम ले लीजिए कि मुख्तार अंसारी को फांसी होनी चाहिए। कृष्णानंद राय की हम कह रहे हैं, आप एक का नाम लेने की बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो अपराधी हैं, जो गैंगवार चला रहे हैं, जिन पर 10 मुकदमे, 20 मुकदमे, 50 मुकदमे, 100 मुकदमे हैं, सरकार पैरवी करे और फांसी कराए। ठीक है, न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन जिसने गलत किया ये प्रदेश का भी और इस देश का भी दुर्भाग्य ही रहा है कि कोई भी एक ऐसा बड़ा मामला जो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या रख सकते हैं, एके जैन जी से ये मेरा सवाल होगा, जिसमें माफियाओं के खिलाफ लंबा मुकदमा चला हो और फिर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हुई हो न्यायालय के माध्यम से, क्योंकि कई ऐसे लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं। चित्रकूट जेल में कैसे 14 मई 2021 को वहां पर जिगाना पिस्टल से ट्रिपल हत्याकांड हुआ था, हालांकि फिर मार गिराया गया था जो उसका अंशु दीक्षित था, लेकिन जिगाना कंपनी की विदेशी पिस्टल वहां तक कैसे पहुंची इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन शोएब जमई जी कम से कम ये हिंदू मुसलमान देखना बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है अपराधी को अपराधी के चश्मे से ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और यही उम्मीद आपसे भी है कि कम से कम यही संदेश देंगे आप। तब मैं धर्म या हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए कि इन तीनों हत्यारों में से एक हत्यारा लवलेश तिवारी, मिसाल के तौर पर उसकी तस्वीर अगर किसी दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ होती और वो कोई मुस्लिम नाम का धार्मिक नारा लगा रहा होता तो आज पूरे देश में हंगामा हो चुका होता। इस लवलेश तिवारी की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है, जिला संयोजक गोंडा के साथ है, केंद्रीय मंत्री यहाँ से स्मृति ईरानी के साथ है, बिल्कुल अंदरूनी बैठक में मौजूद है, बजरंग दल का सदस्य है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है मारने के बाद, और इस बात की जांच नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ इससे पूछ लीजिए, पता चल जाएगा इनका पॉलिटिकल मास्टर कौन है, किसके इशारे पर ये हत्या करने गया था। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कौन है वो पुलिस अफसर,
कौन है वो मंत्री जिसके इशारे पर ये काम हुआ है? उस चिट्ठी में क्या लिखा है? उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है जो अतीक अहमद और अशरफ ने लिखी थी? ये सवाल जी जल्दी से चिट्ठी लिफाफा मिल गया है क्या जिसमें अफसर का नाम है? छुपा रहे हैं। शलभ जी आपसे ही सवाल था, शलभ जी आपसे ही सवाल था। अच्छा मुझसे आपने पूछा, देखिए चिट्ठी शोएब जमाई तस्वीरों पर जाएंगे अगर आप, तो तस्वीरें तो अतीक अहमद छोड़िए, अतीक अहमद की कुत्ते की तस्वीरें किन किन के साथ है आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उस तस्वीरों के चक्कर में पड़िए, फर्जी तस्वीरें आती रहती है। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि आप लाख रुदानी गैंग की तरफ चिल्लाते रहिए, लाख कलपिए, लाख लिखिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो माफियाओं के सफाई का अभियान चल रहा है